जेपीएससी कोई एग्जाम लेवे और वो स्मूथली हो जाए, ऐसा होते देखना हमको लगता है ना मैडम डायनासोर देखे जैसन बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में, मैं हूं आसिया। जेपीएससी एक बार फिर से विवादों में है। झारखंड हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद जेपीएससी ने झारखंड संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। जेपीएससी और विवाद, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वो जो समझते नहीं ढेले भर पर बकबक करते हैं किलो भर। पूछिए ऐसा क्यों, तो शान से बताते हैं, हम है लाल बुचक्कर। हाजी लाल बुचक्कर जी, ठीक कहा ना मैडम? अगर हम कहिए दें कि आप ठीक नहीं कही हैं, तो उससे क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि आप फिर उसे हमरे लिए कुछ नया बोलिएगा। और मान लीजिए नया बोल भी दिए तो हमरे लिए अच्छा ही बोलिएगा, एक संभावना कितना होगा? चलिए वो भी बता दीजिए, कितना होगा? हमको तो लगता है मैडम हमरे लिए आपके मुख से अच्छा बोले के संभावना उतने है जितना कि जेपीएससी एग्जाम के बिना विवाद के कंप्लीट होना। क्या कहती है मैडम? इसमें कहना क्या है, जवाब सबको पता है। ऐसे भी जो बकवास करता हो उसके लिए कोई कैसे अच्छा कह सकता है? एक्सक्यूज मी मैडम, ये आप कहीं जो बकवास करता हो, इसमें जो जो आप बोली हैं वो किसके लिए बोली है? आपके लिए और किसके लिए, आपने क्या सोचा? हम तो सोचे थे कि डायरेक्टे आप हमारा इतना बेइज्जती खराब नहीं कीजिएगा, कम से कम ये तो कहिएगा कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। पर नहीं, आपको तो डायरेक्टे हमारा बेइज्जती खराब करना था। अंग्रेजी में बोले ना मैडम तो आई एम हर्ट। बस बस, बहुत इमोशनल ड्रामा कर लिया आपने, अब मुद्दे पर आइए। मैडम हम तो कोशिश किए थे मुद्दा पर आवे की, तुलना में हम मुद्दा को लेके आए भी थे, पर आप ही मुद्दे पर नहीं रुके और मुद्दा के बजाय हमको मुद्दा बना दी। मुद्दा आप चाहती हैं कि हम मुद्दा पर आए तो आ जाते हैं हम मुद्दा पर। अब क्या ही आप मुद्दा मुद्दा की जलेबी छानने लगे लाल बुचक्कर। आप ही ना कहीं कि मुद्दे पर बोलिए, तब बोलते रहे हैं मुद्दा मुद्दा और कितना बोले मैडम। पहले चुप होकर आप सवाल सुनिए और फिर बोलिए। ये जो जेपीएससी द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाई गई है, उसे आप कैसे देखते हैं? मैडम जहाँ तक देखे के बात है ना, तो ये सब देखे के तो हम सब के आदत जैसन हो गया है। जेपीएससी कोई एग्जाम लेवे और वो स्मूथली हो जाए, ऐसा होते देखना हमको लगता है ना मैडम डायनासोर देखे जैसन बात है। सो मैडम आपके क्वेश्चन के जवाब में हम कहेंगे नथिंग न्यू मैडम, आप लोग बेकार में ये सब मुद्दा उठाते रहते हैं। क्या बात करते हैं लाल बिछक्कर, युवाओं के भविष्य का सवाल होता है और आप कहते हैं कि मीडिया सवाल ना उठाए। मानते हैं मैडम कि युवाओं के फ्यूचर टेंस का सवाल है, पर मैडम आयोग के पास टेंस जवाब भी तो मिल जाता है ना कि क्या होने वाला है। आप कहना क्या चाहते हैं? यह है मैडम कि समझदार के लिए इशारा काफी है। कुछ नया बोलिए लाल बुझक्कर, समझदार के लिए इशारा काफी है, ये लाइन बहुत बार आप रिपीट कर चुके हैं। वाह मैडम वाह, हम एगो लाइन रिपीट कर दिए तो टोंट मार नहीं है। अब ये जे आप लोग पूरा के पूरा मुद्दा के रिपीट करते रहती हैं, उसका क्या? हमने कौन सा मुद्दा रिपीट कर दिया है बताइए तो? किया नहीं, लगता है भुला जाती हैं आप। अरे भाई जेपीएससी और विवाद का चोली दामन का है साथ, इन टॉपिकवा तो हम जब से आयोग बना है या जब जब वो एग्जाम कंडक्ट किया है तब तब आप लोग को रिपीट करते देखे। अगर हम गलत बोल रहे हैं तब बोलिए। हाँ मानती हूँ कि कई मौके पर आयोग पर ऐसे सवाल उठे हैं। अरे भाई जब एक चीजवा बार बार हो रहा है तो उसका न्यूज रह जाता है, फिर हर बार बोलने का क्या जरूरत है? सब जानते हैं फार्म भराएगा, परीक्षा होगा, रिजल्ट आएगा, ये सब के बीच छात्र लोग हो सकता है तनी मनी आंदोलन वगैरह करेगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा, ये तो रूटीन बात हो गया ना मैडम। इसमें तो हमारा सवाल यह होगा
कि आप लोग अपने व्यूअर को नया का दे रहे हैं, बताइए। झारखंड वांट्स टू नो मैडम। अब ये सवाल तो उठेगा ही ना लाल बुझक्कर, कि अगर इंटरव्यू जुलाई में निर्धारित था तो अभी क्यों लिया जा रहा था। मैडम ये भी ना हो सकता है कि वो लोग वो वाला दोहा माने वाला हो, का था तो हुआ? हाँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब करे लगे। ये जो बार बार आयोग अपने फैसलों की वजह से विवाद में आ जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम हम क्या कहेंगे, ऐसे भी हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, पर बात ये भी है मैडम, कितना के मुंह चुप रखा जा सकता है। आखिर फ्यूचर टेंस का सवाल है और फ्यूचर टेंस के चक्कर में एग्जाम देवे वाले टेंस हो जाते हैं, क्या बुझी? आप नहीं सुधरने वाले। सुधर तो वो भी नहीं रहे मैडम, वो भी बार बार लगातार, हाँ क्या कहते हैं, परंपरा बना लिए हैं, यानी ट्रेडिशन। किनके बारे में बोल रहे हैं आप? समझे वाले समझ गए और जो ना समझे वो अनाड़ी है मैडम, और हमको तो लगता है अनाड़ी तो कोई नहीं है मैडम। आपसे इसी लाइन की उम्मीद थी लाल बुझक्कर। मैडम पता नहीं का है, हमको लगता है ना कि आपको अभी हमसे ये भी उम्मीद हो रहा होगा कि हम एगो गनवा का छोटका लाइन और साथ ही एगो सिनेमा के टाइटल बोलेंगे। ऐसी तो मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, पर चलिए बोल ही दीजिए। मैडम जी कितने भी तुम कर लो जतन, हम नहीं सुधरेंगे। किनके लिए आपने बातें कही? बच्चों के लिए गुब्बारा और बड़ा लोग के लिए इशारा काफी होता है मैडम, का बुझी? आपकी बातें आप भी बुझे लाल बुझक्कर, पर मुझे लगता है झारखंड लोक सेवा आयोग को अपनी कार्य प्रणाली में इतनी पारदर्शिता लानी चाहिए कि वो किसी विवाद में ना पड़े, लोगों को उस पर विश्वास हो सके, विश्वास बढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे और लाल बुझक्कर को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।